नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पंचायत प्रतिनिधियों पर पंचायती राज विभाग द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बिहार के 8067 पंचायतों में अधिक से अधिक पंचायत का चौतरफा विकास हो सके और गांव का निर्माण स्वच्छ एवं सुंदर हो सके, इसके लिए विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी घोषणा किया जा चुका है कि पंचायत के विकास के लिए और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो और पैसा दिया जाएगा, बशर्ते जो पैसा भेजा गया है उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत के विकास के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, इसके लिए प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए फंड देकर उन्हें उत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। अगर जिस पंचायत का चौतरफा विकास होगा, स्वच्छ एवं समृद्ध गांव का निर्माण होगा, तो उस पंचायत के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। तो इसका लाभ उठाने के लिए वार्ड सदस्य और मुखिया प्रतिनिधियों को एक होकर पंचायत का विकास करना होगा और पंचायत का विकास इन्हीं दो प्रतिनिधियों के बल पर किया जा सकता है। साथ ही स्वच्छता पर सफलता पाने के लिए गांव के लोगों को भी एकत्रित होकर अपने अपने घर में स्वच्छता कायम करना होगा। इसके बाद ही उस पंचायत के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकेगा। तो जो पंचायत प्रतिनिधि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होना चाहते हैं, वो अपने पंचायत का चौतरफा विकास करेंगे। चौतरफा विकास यानी कि गांव का चारों तरफ से विकास होना चाहिए। गांव में जाने आने के लिए सड़क मार्ग तंदुरुस्त होना चाहिए, पक्की नली गली योजना का काम संपन्न होना चाहिए। गांव में जो सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पर कार्य किया जा रहा है, वो जहां पे उचित स्थान चाहिए वहां पे लगा होना चाहिए। नल जल योजना का जो कार्य किया गया है, प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल मुहैया होना चाहिए। उसके साथ साथ जो स्वच्छता अभियान पर कार्य किया जा रहा है, सभी के घर के सामने दो दो डस्टबिन उपलब्ध होना चाहिए और सफाई कर्मियों के द्वारा गांव को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिदिन समय समय पर कचरे को डस्टयार्ड तक फेंकने का कार्य करना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए जो बगल में स्कूल है, उस स्कूल का भी व्यवस्था सही से होना चाहिए। इस तरह से चारों तरफ से यानी कि चौतरफा विकास होना चाहिए और इसका सर्वेक्षण जब किया जाएगा और पाया जाएगा कि इस पंचायत का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है, तो उस पंचायत के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार से जब सम्मानित किया जाएगा तो उस पंचायत के प्रत्येक घर को सम्मान मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। DPPAC के द्वारा 9 थीम के आधार पर जिला स्तरीय चयन व पुरस्कारित हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2022 तक कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।